देवेंद्र अहलावत ने 21 जून ने अपनी 14 ट्रैका की एल्बम सिद्धू मूसेवाला के नाम पे अनाउंस करी थी। तो सिद्धू का हरियाणे खातर SYL जैसा गाना आने के बाद उस एल्बम का केरवागा और साथ में SYL पर देवेंद्र का भी रिप्लाई आना है, उसकी बात भी इस वीडियो में करांगे। पहला रिप्लाई की बात कर लिया तो देवेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लाई है जो कि लिरिक्स का फोटो है पर थोड़ी ही काटा पिटी कर रखी है जिस तरह लिरिक्स ना दिखे और गाने का नाम SYL ए रिप्लाई फ्रॉम हरियाणा और ब्रैकेट में लिल ब्रदर और स्टोरी पे गाना कौन सा ला रखा है। जो कि हरियाणे वाले ने अपने आप एनर्जी तक भर दे है। फिर इसके बाद दूसरी स्टोरी है जिसमें एल्बम की खबर भी है। इसमें लिख रखा है कि एज एन आर्टिस्ट एल्बम भी आवेगी और हरियाणवी होने के नाते जायज SYL गाने का रिप्लाई भी आवेगा। ई भी इसमें थम भाई ने दोगला कह सको हो या फिर चीजा ने बैलेंस करके चालनिया मर्जी थारी। ये सेम चीज जो स्टोरी पर थी वेमन ने थरते पढ़ के बता दी। बाकी सारे कलाकार इस मामले में एक्टिव हो गए। रोन लिखारी का तड़के 8 बजे गाना आया था SYL हरियाणा। फिर एक गाना काका फिल्म चैनल पर भी सुनने ने मिल लिया। उसके बाद केपी कुंडू का भी गाना आना है और हो सके वीडियो के टाइम थी आ लिया हो जिस खातर मैंने तड़के वीडियो बनाई थी। उसके बाद RP सिंह का गाना 6 बजे आना है। मासूम शर्मा का गाना कोडा ने भी आ सके है और यो गाना भी हो सके है वीडियो गेरण के टाइम ती आ लिया हो। केडी का भी गाना आना है जो कि हिंदी में होने वाला है जिसमें सारा मामला समझाया जाएगा। और भी कई कलाकार ने गाने गेरने शुरू करे इस मामले में। अगर इन पर डिटेल्ड वीडियो बनानी है कि किन किन कलाकारा के गाने आए और किन किन के गाने आने हैं तो कमेंट में बता दियो। राम राम।